अमेरिकी राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप के मैक्सिको दौरे पर निशाना साधा। क्लिंटन ने कहा कि ट्रंप ने मैक्सिको का दौरा कर शर्मिंदा करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि ट्रंप का मिजाज उनके अमेरिका के कमांडर इन चीफ बनने के अनुकूल नहीं है। हिलेरी ने कहा कि कुछ ही घंटे में उन्होंने मैक्सिको के अपने दौरे को शर्मिंदा करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय घटना में बदल दिया। मैक्सिको के राष्ट्रपति के साथ ट्विटर पर उनकी जंग होने लगी और फिर उन्होंने सर्वाधिक घृणा फैलाने वाला कट्टरवादी भाषण दे डाला। साथ ही 16 करोड़ लोगों को वापस भेजने के लिए एक प्रत्यर्पण बल भेजने की मूर्खतापूर्ण योजना भी रखी। ट्रंप पर निशाना साधते हुए हिलेरी ने कहा कि आप देखते हैं कि उन्होंने इस अभियान में क्या कहा और क्या किया। जब आप देखते हैं कि वो सार्वजनिक तकरार के बगैर किसी दूसरे देश में जा तक नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि जवाब साफ है। डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज ऐसा नहीं है कि वो हमारे कमांडर इन चीफ बन सके। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप की मैक्सिको में कड़ी आलोचना हुई। दरअसल उन्होंने यूएस मैक्सिको सीमा पर एक दीवार बनाने की बात कही है, जिसका भुगतान उनके अनुसार मैक्सिको को करना होगा। ट्रंप ने मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने इस बात पर चर्चा नहीं की कि दीवार के लिए भुगतान कौन करेगा। हालांकि बाद में पेना नीटो ने ट्विटर पर कहा कि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि मैक्सिको दीवार के लिए भुगतान नहीं करेगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।